जनपद कासगंज पटियाली विधानसभा परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने बिजली विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार व अन्य मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आज भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के निर्देशन में प्रदेश भर की सभी तहसील मुख्यालयों पर स्वराज के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 मुख्य मांगों को लेकर दिया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम उप जिला अधिकारी पटियाली को सौंपा ज्ञापन और किया जोरदार धरना प्रदर्शन। धरना दिया है 2020 का बिल संशोधन और जो राशन कार्ड वो ग्राम पंचायत पे मतलब बिना भेदभाव के बनाए जाएं और राशन पुरानी व्यवस्था की तरीके से फ्री में वितरण किया जाए और जो आवारा पशुओं से फसल नष्ट हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए, जो गौवंश है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। कहाँ का चल रहा है आपका ये हमारा पूरे प्रदेश में 22 विधानसभाओं पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर प्रशासन सुनता है तो ठीक है, वरना नहीं तो हम तालाबंदी करेंगे और जगह जगह रोड जाम करेंगे। कौन सा यूनियन है आपका? हमारा भारतीय किसान यूनियन स्वराज। मैं धीरेन्द्र यादव, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन स्वराज। आज आपने तहसील परिसर में बैठकर सभी किसान भाइयों ने SDM मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्या वजह रही आप लोग? हमारे SDM साहब अपने नशा में चूर हैं, भ्रष्टाचारी में संलिप्त हैं। आज तक जितने भी ज्ञापन दिए एक पे किसी पे सुनवाई नहीं हुई है और ये अपने नशा में मस्त रहते हैं। अगर दलाल आए उन्हें बैठा लिया, अंदर बैठा लिया, उनसे बात करते हैं और चुपचाप निकाल देते हैं। आपका क्या पद है इस यूनियन? हम प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन स्वराज। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।